लेकर आप सभी मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। अभी कुछ बोले को है नहीं, बस यही बोलने को है। पुनः एक बार जो प्राचीन गौरव था वो आज यहाँ पर मंदिर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। यह आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भावुक है इस समय, और वो भावुकता शब्दातीत है। वो देवलोक से आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं। मेरे साक्षात परमात्मा के दर्शन, हम उनके चरणों में बैठ कर गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनकी हथेली पर नाच रहे हैं। ये बड़े सुहाने पल हैं, ये दिव्य पल हैं, ये अलौकिक पल हैं। जब भगवान ने ठानी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता आने में, तो सभी भक्तों को और सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है, चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो। भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही एक ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। भगवान के मंदिर आए तो कैसे लगता है इंसानों को, यहाँ तक भुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। दिस इज मिरेकल सर, ये क्योंकि हम साउथ का है और बहुत खुशी की बात है कि मैसूर का लड़का मूर्ति बनाया है, सो ऑल पूरा है। और इसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं, जिसको एक चांस मिला है, रियली गिफ्टेड सर, लाइफ में गिफ्ट हिंदूज के लिए इट इज अ वेरी बिग गिफ्ट सर। बचपन से स्वप्न देखते थे, अयोध्या के बारे में सुनते थे, पढ़ते थे, आज अयोध्या में स्वयं है हम, और वो भी इस ऐतिहासिक दिन में। ये वक्त जो है मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूं, मैं मतलब यहां जो भी हैं इतने खुश हैं। जय श्री राम। धन्य भाग कि हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में कि आप लोग घर बैठे ही देख पा रहे हैं। यहाँ के आनंद की जय हो, राम लला की जय हो, सनातन की जय हो, भारत वर्ष की जय हो, जय जयकार हो।